Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अच्छा जी, हम गुज़िश्ता जो हमारे असबाब थे उन असबाब में हम पढ़ रहे थे कि वो अस्मा जिन्हें इराब जो है वो हुरूफ के जरिए आता है, जिनके आखिर में इराब कैसे जाहिर किया जाता है, हुरूफ के जरिए। और वो हुरूफ कौन कौन से थे? वाओ, अलीफ और या। अच्छा, अब इसमें हमने तस्निया पढ़ा था, हमने जो है वो जमा पढ़ा था, और इसी तरह जो है वो हमने पढ़ा था अस्माए सित्ता। Recording in progress. अच्छा, अस्माए सित्ता पढ़ा था कि छह अस्मा जिनको इराब जो है वो बिलहुरूफ दिया जाता है। अच्छा, ये हमने इराब पढ़ लिया। अब ये दरमियान में एक नई बहस है, इसे हम पढ़ेंगे। और क्योंकि इस बहस का पढ़ना जो है वो ज़रूरी है अगली बात को समझने के लिए, बहस ये है कि सही और मोतल, क्या मैंने कहा, सही और मोतल कलिमात जो हैं उनकी दो किस्में होती हैं। कलिमात की कितनी किस्में होती हैं? दो। कलिमात या तो सही होंगे या मोतल होंगे, या सही होंगे या क्या होंगे, मोतल होंगे। अच्छा, एक बात तो पहले ये समझ लें कि ग्रामर में जो सही और मोतल की इस्तलाहात हैं, ग्रामर में जो सही और मोतल की इस्तलाहात हैं ये नावियों के यहाँ और हैं और सरफियों के यहाँ और हैं। एक तो ये बात समझ लें, यानी नावियों के यहाँ सही और मोतल और होता है, और जो उलमाए सरफी हैं उनके नज़दीक सही और मोतल और होता है। अच्छा, नावियों के यहाँ क्या होता है और सरफियों के यहाँ क्या होता है, इसको भी समझ लें। नावियों के यहाँ जो है ना वो सही और मोतल का ताल्लुक होता है कलिमा के आखिर से, किससे, कलिमा के, ये किन के यहाँ होता है, नावियों के यहाँ, क्या, नावियों के यहाँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है जैद, अगर हम नावियों के यहाँ इसको सही या मोतल की बहस करेंगे इसके ऊपर, तो हम देखेंगे इसके आखिरी अरब को। आखिरी अरब इसका क्या है, दाल। आखिरी अरब इसका क्या है, दाल। तो ये सही है या मोतल है, तो चूंकि आखिरी अरब दाल है तो ये सही है, ये क्या है, अच्छा सही। मोतल का फैसला किस पे होगा, इधर तवज्जो करें, रूफ इल्लत कितने हैं, तीन। रूफ इल्लत कितने हैं, तीन, वाओ अलीफ और या। वाओ अलीफ और ये तीन रूफ इल्लत हैं। अगर कलमे के आखिर में वाओ अलीफ या में से कोई कलिमा होगा तो वो मोतल होगा, और अगर वाओ अलीफ या में से कोई भी कलिमा नहीं है तो वो क्या है, सही है, वो क्या है, सही है। अब आप देखें जैद का आखिरी अरब क्या है, वाओ अलीफ या है नहीं, वाओ अलीफ या नहीं है, लिहाजा के सही है। तो देखें जी, हरफे आखिरी अरब के एतबार से इसम मोरब की दो किस्में हैं। इसम मोरब की कितनी किस्में हैं, सही और मोतल। सही किसे कहेंगे,
वो इसम जिसके आखिर में हुरूफ़े इल्लत में से कोई हरफ ना हो। सही, वो इसम जिसके आखिर में, वो इसम जिसके आखिर में हुरूफ़े इल्लत में से कोई हरफ ना हो वो सही होगा, यानी वाउलिम या में से कोई भी उसके आखिर में नहीं है। सही, वो इसम जिसके आखिर में हुरूफ़े इल्लत यानी वाउलिम या में से कोई भी ना। अब देखिए अल किताब, अल किताब का आखिरी हरफ क्या है? बा। ये सही है, ये क्या है? सही है। अल कलम, तो इसका आखिरी हरफ क्या है जी? आखिरी हरफ है मीम। आखिरी हरफ क्या है? तो ये सही है, क्या है? सही है। अच्छा, जो सही होता है ना हुक्म, इस पर एराब की अलामात लफ्जन आती हैं, यानी जो सही होगा इसके आखिर में जो एराब की अलामात होंगी वो हमें नजर आएंगी, वो हमें क्या होंगी? जैसे इधर देखें, आप देखें अल किताब के लफ्ज को, अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी, अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी। अब ये सही है ना, तो आप देखें इसके आखिर में बू बा बी ये नजर आ रहा है, यानी अलामात जो है वो नजर आ रहा है। सवाल यह कि इस पे तनवीन क्यों नहीं आई किताब पे? आप बताओ सुमेरा, इस पे तनवीन क्यों नहीं आई? ये तो मैंने बताया हुआ है आपको। क्योंकि अलिफ लाम है ना, अलिफ लाम जब किसी कलमे पे आ जाए तो उस पे फिर तनवीन नहीं आती। आप लोग भी बता लिया करो, आप लोग लिखा करो, जो सवाल मैं इधर से पूछूं आप फौरन लिखा करो। ठीक है, तो अब यानी कोई भी एक एक बात समझ लें। अब देखें ना, मुफीदुन है और आगे भी मुफीदुन, मुफीद का लफ्ज है ना, उसके आखिर में तनवीन है, उसके आखिर में क्या है? उमूमन कोई भी जब लफ्ज होता है ना तो उसके आखिर में तनवीन होती है, यानी दो जबर होगी या दो जेर होगी या दो पेश होगी। अब तनवीन अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है? अलिफ लाम अगर हो ना किसी कलमे पर तो वो अलिफ लाम जो होता है वो तनवीन को क्या करता है? गिरा देता है। अच्छा, तो हुक्म सही के आखिर में जो अलामात हैं इराब की ये नजर आएंगी, मौजूद होंगी। तो यहां से एक बात ऑटोमेटिक समझ में आ रही है, सारे शाह बताओ क्या समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक? एक बात यहां से खुद ब खुद समझ में आ रही है, जल्दी करो वरना सुमेरा बताने लगी है। जी आप बताएंगे क्या समझ में आता है? वो कहता है कि सही पर जो एराब है वो लफ्जों में नजर आता है, वो लफ्जों में। जी जी आप इससे ये पता चलता है कि मोतल जो है ना, मोतल उसमें फिर एराब जो है वो लफ्जों में नजर नहीं आएगा। इधर लड़कियों पे हिजाब फर्ज है, इससे ऑटोमेटिक क्या बात समझ आती है? हाँ अच्छा, आप बताएं क्या समझ आता है सारिश? लड़कियों पे हिजाब फर्ज है तो उसका अपोजिट क्या निकलता है? आप मेरा कि लड़कों पे नहीं है, लड़कों पे नहीं है, समझ आता है ना? अब बात हो रही है सही और मोतल की,
तो वो कह रहा है कि सही का जो इराब है ना ये लफ्जों में नजर आता है, तो इसका मतलब है कि जो मोरब होता है ना, सॉरी मोरब कह रहा हूँ, मोतल जो होता है उसका इराब लफ्जों में नजर आ सही किसको कहते हैं? नाबियों के यहाँ के जिस कलमे का, जिस वर्ड का, जिस लफ्ज का आखिरी हरफ वाव अलिफ या ना हो तो वो क्या होगा? सही। अच्छा जी, तो ये यहां तक सही हो गया। हुक्म इस पर इराब की अलामात लफ्जन नजर आती हैं, लफ्जन जो है आती हैं, यानी लफ्जों में नजर आती हैं, लफ्जों में नजर आती हैं। अच्छा, ये मुलाहजा को जरा छोड़ दें, आगे चलें। मुलाहजा को जरा छोड़ के आगे आ गया मोतर, वो इसम जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, वो इसम जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, वो इसम जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, क्या मतलब? इधर इधर देखें, इधर जैसे मिसाल के तौर पर लफज है रामी, क्या लफज है? रामी। अब इसके आखिर में क्या है? ला। तो गोया कि ये सही है कि मुतल है? मुतल है। अच्छा, इसी तरह आप देखें मूसा। अब ये जो खड़ी जबर है, खड़ी जबर दर हकीकत क्या होता है? अलिफ। खड़ी जबर दर हकीकत क्या होता है? अलिफ। तो मूसा ये मोतल है या सही है? मोतल। ठीक है जी, तो ये क्या है? मोतल है। अच्छा, तो इसकी दो किस्में हैं, इसकी कितनी किस्में हैं? दो। सही और मोतल समझ आ गया सबको कि सही क्या होता है और मोतल क्या होता है। अब जो मोतल है उसकी दो किस्में हैं, उसकी कितनी किस्में हैं? अच्छा, सही मोतल से पहले मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करवा दूं। अच्छा, आप लोग एक मिनट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये तो हो गया नावियों के यहाँ, ये तो हो गया। अच्छा, नावी क्या होते हैं? नावी और सरफी, नहव और सरफ, ग्रामर की दो किताबें हैं ना, इनमें नहव और इनमें, तो नहव वाले जो हैं वो सही और मोतलिस को कहते हैं। किसको? के कलमे के आखिरी हरफ में, आखिरी हरफ हरफ इल्लत ना हो तो, कलमे का आखिरी हरफ हरफ इल्लत ना हो तो, कलमे का आखिरी हरफ हरफ इल्लत ना हो तो वो क्या होगा? तो क्यों नहीं बोल रहे? सही। कलमे इधर, कलमे का आखिरी हरफ हरफ इल्लत हो तो, अब आ जाए सरफियों के नजदीक कि सरफी सही और मोतल किसको कहते हैं। इधर देखें, एक कलमा है, लिखने से पहले समझा करें, एक कलमा है इधर सुमेरा, इधर आप देखो फाला, सॉरी वादा, वा इधर इसका वजन बताओ, वादा, वादा का वजन क्या है? फाला। सारी चीज आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें आपको भी पता चल जाएंगी। अब देखो इसके यहां पे हर्फ इल्लत कौन सी जगह पे है? फा कलमे में। कहां पे है? फा, यानी देखो जो तीन हर्फ होते हैं ना, तीन हर्फ होते हैं,
पहले को कहते हैं फा कलमा, दूसरे को कहते हैं ऐन कलमा, और तीसरे को क्या कहते हैं? लाम कलमा। तो सरफियों के नजदीक कलमे में कहीं भी, मैं और बात को सादा करता हूँ, चूंकि ये इसने भी दरमियान में लेक्चर काफी छोड़े हुए हैं सुमेरा ने और सैरिश नहीं है, तो मैं बात को बिल्कुल आसान करता हूँ। इधर देखो, कलमे में कहीं भी हरफ इल्लत आ जाए तो सरफियों के आम वो मुअत्तल होगा। कलमे में कहीं भी क्या आ जाए, हरफ इल्लत आ जाए तो वो क्या होगा, और अगर कहीं भी हरफ इल्लत ना हो तो वो सही होगा। इधर देखो, मिसाल के तौर पर लफज है कत्ल, क्या है? कत्ल। इसमें कहीं भी हरफ इल्लत तो नहीं है ना, तो ये सही है सरफियों के। अगर कहीं भी हरफ इल्लत आ जाए जैसे वादा, तो उनके नजदीक ये क्या होगा? मोतल। देखें कौल, कौल भी उनके नजदीक क्या है? मोतल। कि इसमें क्या है? हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत कितने होते हैं? वाओ अलिफ। कोई भी आ जाए इसमें क्या है? वाओ। जरूरी नहीं कि तीनों तो नहीं ना, बयात वक्त हो सकते, कोई एक होगा, या वाओ होगा या ला होगा या क्या होगा, अलिफ होगा। अच्छा जी, ये बात आपको समझ आ गई कि सही किसको कहते हैं और मुतल किसको कहते हैं। तो उलमाए नावियों के यहाँ सही किसको कहते हैं? Recording in progress. चलें बस यही आज का यही सबक है। नावियों के हाँ जो है वो कलमा दो तरह का होता है। कलमा क्या होता है? क्योंकि हम इसम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा इसम दो तरह का होता है, मोतल और सही। सादा सी बात है, मोतल के कलमे का आखिरी हरफ वाओ अलिफ या हो में से कोई हो तो मोतल, ना हो तो बस, सादा सी बात। अब आ जाएंगे सरफ पे। जो सरफ में हमने पढ़ा था वन मिनट जी सरफ, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसम ज़रफ किसको कहते हैं और इसम आला किसको कहते हैं। आला जो किसी भी काम का जरिया, किसी भी काम का, अब ये आप किस से लिख रहे हो? ये कलम लिखने का आला, कलम किसका आला है? लिखने का। हम इस कलम को जो है वो लिखने का आला कह सकते हैं, लिखने का आला कह सकते हैं। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि इसम आला वो इसम मुश्ताक जो उस चीज पर दलालत करे जिसके जरिए से काम किया जाए, जैसे मिफ्ताह खोलने का आला यानी चाबी, और इसी तरह हमने दूसरा पढ़ा था इसम ज़रफ। दूसरा क्या पढ़ा था? इसम ज़रफ। वो हमने पढ़ा था कि ये वो इसम है जो काम की जगह या वक्त बताए, काम की क्या बताए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर काम की जगह भी होती है और हर काम का वक्त भी होता है। ये हो ही नहीं सकता कि काम हो और उसकी जगह और वक्त ना हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि कोई काम हो और उसकी जगह ना हो या उसका वक्त। अब हम पढ़ रहे हैं, काम है ना, ये कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये जगह हो गई और वक्त क्या हो गया? 11 से 12। अच्छा, आप अब लिख रहे हो, किसी जगह में लिख रहे हो, तो अब पढ़ते हैं आगे बनाने का तरीका।
ये इसम जरफ किस वजन पे आएगी, किस वजन पे आएगी? तो बनाने का तरीका, ये तीन अरफी, ये तीन अरफी अफाल के मस्तर को मफाल या मफिल के वजन पर लाने से बनता है। इधर देखें जी, ये दो डजैन है आपके पास, क्या है, क्या है, दो डिजाइन है, मफअल, मफअलुन या मफइलुन, मफअलुन या मफइलुन, इन दो डिजाइनों पे इसम ज़रफ आएगा। क्या मतलब, इधर देखें, मन सारून, मन सारून और मजरीबुन, मजरीबुन दोनों का डिजाइन एक है। ये मैं आपके लिए बात को आसान कर रहा हूं, वैसे मैंने क्या लफ्ज बोलना था, दोनों का वजन एक है। वजन देखो, जबर जबर, स्कून स्कून, जबर जबर, दो पेश दो पेश, डिजाइन सेम हो गया। तो मफ अल के वजन पे क्या आ गया, मान साल, मान, और मफ इल के वजन पे क्या आ गया, माजा रिब। अच्छा, इसमें मैं बिलखसूस बात करूंगा आपके लिए, सारिश, आपने परेशान नहीं होना, नयाब आप नए हो तो आप कहेंगे जी ये अजीब अजीब चीजें पढ़ रहे हैं, वजन पता नहीं क्या, कभी फेल, सुलासी मुजर्रद, ये तो बातें मेरे ऊपर, मेरे तो, मेरा इनसे कभी वास्ते ही नहीं पड़ा, ये टेंशन लेनी, ये मेरी, ये मेरे जिम्मे है, तो मैंने आपको ये कैसे कवर करवाना है, आपने बस इसको सुन लेना है, जितना समझ आ जाए उतना याद कर लेना, आपको तो समझ आ ही जाएगी, अंदाजा मुझे हो गया। तो बाकी माशाल्लाह सुमेरा वैसे बड़ी लाइक्स वो है, तो इसलिए उसे तो पहले ही समझ है माशाल्लाह। Recording in progress. अच्छा जी, ये इसमाला, जरा मुझे बताओ ये रिकॉर्डिंग कब की बंद थी, क्या चीज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि जारी बात है जिन्होंने रिकॉर्डिंग पे क्लास लेनी है उन्होंने तो सुन के ही लेनी है। हाथ खड़ा करो मुल्कुरा या जो जिसने भी मैसेज किया है, मुल्कुरा हाथ खड़ा करो ज़रा। बोलें भाई, बोलें बोलें बोलें, जल्दी करें। अच्छा, इसम ज़रफ को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया ऊपर, इसम ज़रफ के दो वो हैं, ये देखें, माफ़ल और माफ़ा, ये दो हैं इसम ज़रफ के। अब आ जाते हैं हम इसम आला पर, मैं जी दोबारा पढ़ा देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग से जिन्होंने क्लास लेनी है उनके लिए मसला ना हो। इसम जो आला है उसके तीन वजन है, मिफालुन, मिफालातुन, मिफालुन। अब तीनों वजनों की मिसाल देख लें, मिनसारुन, मिनसारातुन और मिन सारुन, मिनसारुन, मिनसारातुन और मिन सारुन। अब इन्होंने नीचे और मिसालें दी हुई हैं कि देखें जी, मिफालुन के वजन पे मिब्रादुन, मिफालातुन के वजन पे मिकनासातुन और मिफालुन के वजन पे मिफ्ताहुन। बहरहाल आप इतने को याद कर लेना तो मजीद जो है वो क्या करेंगे, आगे जो है वो देखेंगे। ठीक है, अब आ जाए आप किस पे, इकरा पे।
अच्छा ये हम पढ़ रहे थे हुबुल्ला, ये पढ़ लिया था। पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था मुझे लगता है, ये पढ़ लिया था। अब ये हमने सबक पढ़ना है अल्लाह जल्ला शानू, अल्लाह ताला का तारुफ, अल्लाह ताला का। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने सूरह फातिहा दी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें अल्लाह का तारुफ क्या है, हर किस्म की हमद जो है वो अल्लाह के लिए है जो कि रब्बुल आलमीन है, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं, यानी इबादत सिर्फ किसकी करनी है, अल्लाह ताला की, किसी और की इबादत हो सकती नहीं। अच्छा हम तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। और फिर आगे सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तो आपने कई दफा सुनी होगी सूरह इखलास पर भी दरस तौहीद, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई हमसर नहीं, ना अल्लाह ने किसी को जना, ना किसी ने अल्लाह को जना, ना अल्लाह ने किसी को जना और ना किसी ने अल्लाह को जना। अब इसके बाद ये एक नजम है वातानी, अगला वातानी, इसको कहते हैं वातानी, वतन कहते हैं वतन को, या का माना है मेरा वतन, या का माना क्या है मेरा वतन। हाजा आलामु वतन, हाजा का माना ये, आलामु का माना झंडा है, वतनी मेरे वतन का, हाजा आलामु वतनी, ये मेरे वतन का झंडा है, ये मेरे वतन का झंडा है। वहाजी खरीदत वतनी, और ये मेरे वतन का। अब आपको खरीता का तर्जमा नहीं आता, लेकिन आपको अल्लाह ने अकल तो दी है ना, आगे क्या बना है, क्या बना है आगे, नक्शा। तो आप आंखें बंद करके क्या कह दें, ये मेरे वतन का क्या है, ये क्या है, नक्शा है मेरे वतन का, मेरे वतन का। उसने कहा, वो मुझे एक बात याद आ गई, कहते हैं अकल के लिए भी नकल चाहिए, अकल के लिए भी क्या चाहिए, सुना दूं आपको फिर एक लतीफा ना, वो ना इधर फौजी थे ना फौजी, वो एक फौजी के पास गन थी, तो वो उसका उस्ताद पूछता है कि मिसाल के तौर पर इधर, वो कहता है कि नेमत खान ये क्या है, वो कहता उस्ताद ये सारी ये बंदूक है। उसने कहा ये बंदूक नहीं, ये तेरी इज्जत है, इज्जत, ये तेरी माँ है, माँ, ये क्या है, तेरी इज्जत है, तेरी माँ है। वो अगले से पूछता है ये क्या है, अगले से पूछता है ये क्या है, वो कहता है सारी ये नेमत खान की अम्मा है और मेरी खाला जान है। ठीक है, तो ये नक्शा है, खरीदा तो वाता नहीं, ये क्या है, नक्शा है, ये मेरे वतन का नक्शा है। आगे जी नजम है, वतनी वतनी फी सकनी, मेरा वतन मेरा वतन, मेरा वतन है, फी सकनी, इसमें मेरी रिहायश है, सकनी, मैं इस वतन में रहता हूं, ये मेरी अमाजगाह है, ये मेरी पनाहगाह है, ये मेरा ठिकाना है। वतनी इंदी गालिब तमनी, वतनी इंदी गालिब तमनी, मेरा वतन मेरे नजदीक गाली कहते हैं महंगा, और समन कहते हैं कीमत को, तो गालिब तमनी मेरे नजदीक बेश कीमती है, मेरे नजदीक क्या है, बेश कीमती है। फलहू रूही, फलहू उस वतन के लिए रूही, मेरी
रूह है। वाला हूँ बदन ही और उसके लिए मेरा जिस्म है। क्या मतलब? उसके लिए मेरी रूह है और उसके लिए मेरा जिस्म है, यानी मेरी रूह और मेरा जिस्म जो है वो मेरे वतन पे कुर्बान। लियाइश हुर्रा तूल ज़मानी लियाइश। अब वो शायर जो है ना वो वतन को कह रहा है लियाइश हुर्रा, है वतन तू। यश का माना होता है जिंदगी गुजारना, यश का माना क्या होता है, और हुर्रा का माना होता है आजाद। तू आजाद जिंदगी गुजार, क्या मतलब? ऐ मेरे वतन तू आबाद रहे और आजाद आबाद रहे। तू लज़मानी लंबे जमाने तक, लंबे लंबे जमाने तक तू आजाद रहे, लंबे जमाने तक तू क्या रहे, आजाद रहे। लियाइश हुर्रा तूल ज़मानी वतनी वतनी जी वतनी इस्मुहु जमहूरिया तो पाकिस्तान इस्लामिया। मेरा वतन जो है उसका नाम जमहूरिया इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान अल इस्लामिया। अना उहिब्बु वतनी कतीरा, मैं अपने वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वाफदी ही बिबदनी वरूही, वाफदी ही और मैं उस पर कुर्बान करता हूँ, वाफदी और मैं उस पर कुर्बान करता हूँ। बेबादानी व रूह ही अपने जिस्म को और अपनी रूह को, अपने जिस्म को और अपनी रूह को। बादुल्ला सुबहाना हुआ ताला, और मैं अल्लाह सुबहाना हुआ ताला से दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह उसकी हिफाजत करे दाइमन हमेशा। इन्नहु समीउन मुजीब, बेशक वो खूब सुनने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला है। वो कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करता हूँ क्योंकि वो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। आगे मशक है जी, ये कल करेंगे। तो हमारा आज का सबक जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन इफ